हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट पॉपुलर ट्रस्टेड एडवांस फीचर्स और सिंपल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराने वाले जीरोधा एप्लीकेशन के ऊपर डीमेट अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस सीखने वाले हैं। अगर आप भी जीरोधा के ऊपर डीमेट अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए और आगे का प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से सीखिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, लॉगिन करने का और दूसरा साइनअप करने का। तो सिंपली आपको यहाँ पर साइनअप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइनअप पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और चेक कर लेना है कि आप सही वेबसाइट पर आए हो या नहीं। तो जीरोधा की वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर OTP डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया है जीरोधा की तरफ से। यहाँ पर इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना डिटेल डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर नाम और ईमेल आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पर फटाफट से नाम और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नीचे की तरफ कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ईमेल वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपके ईमेल पर OTP गया होगा, उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर फिर से क्लिक कर देना है। ईमेल आपका वेरीफाई हो गया है। अब आपको यहाँ पर पैन नंबर डाल के और अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट करना है सेकेंड नंबर में। फिर आपको यहाँ पर अपना डेट सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आपको ₹200 पे करना होगा अकाउंट ओपनिंग फ़ीस। तो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस आप यहाँ पर UPI या फिर नेट बैंकिंग कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर UPI आईडी डाल देता हूँ और पे एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप पे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमर आ गया है। हमारे पास 5 मिनट का समय है इस पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं अपने दूसरे मोबाइल पर यहाँ पर लॉगिन करके यहाँ पर पेमेंट कर लिया हूँ। अब सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पेमेंट हो गया है। अब आपको आधार KYC करना है डिजी लॉकर के थ्रू। तो कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर कर लेना है। जैसे आप आधार कार्ड का नंबर इंटर करते हैं नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। फिर आपके आधार कार्ड के मोबाइल नंबर पर आपको OTP मिलेगा UIDAI की तरफ से। उसको डालने के बाद कंटिन्यू फिर से क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। अब आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अलाउ करते हैं इसके बाद सक्सेस हो जाएगा आपका अकाउंट ओपन होने के लिए। अब आपको यहाँ पर कुछ और डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, जैसे कि आपको अपना पर्सनल डिटेल डाल देना है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं पर्सनल डिटेल डाल देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना पूरा पर्सनल डिटेल डाल दिया है। यहाँ पर सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं फिर से आपको यहाँ पर कुछ अपना बैंक डिटेल डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना बैंक डिटेल फिल कर लिया हूँ। सारी चीज़ें डालने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ। उससे पहले आप सभी चेकबॉक्स को चेक करते हुए जाइएगा नीचे की तरफ। चेकबॉक्स को चेक करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर फिर से क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है थोड़ा सा। अब आपको यहाँ पर अपना फोटो सेल्फी लेकर के यहाँ पर अपलोड करना है। तो सेल्फी देखिए मैंने इस तरह से लिया, इसके बाद कंफर्म किया तो देखिए यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है। आपको यहाँ पर सेल्फी इस तरह से लेना है, जो यहाँ पर कोड दिखाई दे रहा है उस कोड को भी यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर से लेकर के चलता हूँ। इस तरह से आपको सेल्फी ले लेना है कोड मेंशन करते हुए और आपको सेल्फी लेना है। सेल्फी लेने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका सेल्फी जो है वो अपलोड होने लग जाएगा। अब आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है अगर आपका सेल्फी सही है तो। अब मैंने यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए अपलोड करना है कोई डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर आपका इनकम प्रूफ मांग रहा है जो कि ऑप्शनल है, तो उसको हम लोग यहाँ पर अपलोड नहीं करेंगे। सिंपली मैं यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर ले रहा हूँ क्योंकि सिग्नेचर मैंने यहाँ पर फोटो खींच करके रखा हुआ है। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर देखिए सिग्नेचर अपलोड कर लिया हूँ। अब यहाँ पर पैन कार्ड को भी अपलोड कर लेना है। तो पैन कार्ड का कॉपी अपलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पर मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लिया अपने फाइल में से और यहाँ पर मैंने अपलोड कर लिया अपने पैन कार्ड का फ्रंट व्यू। तो यहाँ पर पैन कार्ड को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नॉमिनी नेम डालने का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप यहाँ पर नॉमिनी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ई साइन करना है। अब ये लास्ट स्टेप है आपका, तो ई साइन पर मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ई साइन करने के लिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है, तो सारे चेकबॉक्स को चेक करते हुए आपको प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक कर देना है। फिर से यहां पर जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने NSDL का साइट ओपन हो जाएगा। आपको यहां पर अपना आधार कार्ड का नंबर डाल के और चेकबॉक्स को चेक करते हुए आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। आपके आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर कर देना है। OTP इंटर कर लेने के बाद आपको OTP को वेरीफाई भी करना होगा, तो सिंपली आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया है। अब आपको सिंपली सीन्स नाउ पर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ फिनिश का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको रेफरल लिंक भी मिल रहा है, तो आप यहाँ से रेफर करके भी अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, मैं बाद में रेफर कर लूँगा। फिलहाल अभी मैं आपको फिर से लॉगिन करके दिखाता हूँ कि किस तरह का ऑप्शन आता है। तो चलिए अब यहाँ से फिर से मैं साइनअप पर क्लिक करता हूँ। फिर नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना OTP वेरीफाई कर लेना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, OTP यहाँ पर इंटर कर लीजिए। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। देखिए वापस से वही पेज आ गया है, इसका मतलब हमारा सारा डॉक्यूमेंटेशन अपलोड हो चुका है। अब ये वेरीफाई होने में 24 से 48 घंटे समय लगेंगे। इसके बाद आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। फिर उस यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप इस एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।